भक्तमाल जी में कथा आती है, भक्त थे रामदास जी, चर्मकार थे, जूता गठने का काम करते थे, भक्तमाल जी की कथा है। प्रसंग तो उनका बहुत बड़ा है, पर उसका एक दृष्टांत है कि जूता गढ़ते थे। एक उसी गांव में कुछ चोरों ने किसी घर चोरी करी, माल सबरा ले लिया, सारा माल लेके आ गए। अब वो जो चुरा रहे थे तो चोरी में उन्होंने एक चोर ने शालिग्राम भगवान भी उठा के ले आए। अब चोर थे, पता तो था नहीं ये क्या है, उन्होंने सोचा चमकीला बढ़िया पत्थर है, ले आए। अब जब उसका बंटवारा हो रहा था, आपस में सब बांट रहे, तेरा तू ले, एक के भाग में, एक के बंटवारे में वो शालिग्राम भगवान आ गए। उसने रख लिया कि कुछ काम आ जाएंगे, देख लेंगे। वो चोर आगे बढ़ा तो उसकी चप्पल टूट गई, और वो चप्पल टूटी तो वो चप्पल गठवाने के लिए उन्हीं भक्त के पास, रामदास जी के पास आ गया। उन्होंने गांठ लगा दी चप्पल। अब बदले में क्या दें, पैसा? बोले नहीं, पैसे की, पैसा नहीं, एक काम कर। उसने जेब में से पत्थर निकाला, ये तू ले ले, ये तेरा जो औजार है ना जिससे तू सिलाई करता, उसके घिसने के काम आ जाएगा। तो महाराज, वो शालिग्राम भगवान को उसने दे दिया कि आपका जो सुई रहती है जिस उसको पहना करने के लिए, घिसने के लिए, ये पत्थर चमकीला। अब वो भक्त भी बेचारा बड़ा भोला, उसको भी नहीं समझ कि ये शालिग्राम भगवान है। उसने लिया और उसको नीचे जमीन पर रखा और उस पे अपना वो जो औजार है उसको घिसने लगा। पर जब वो चप्पल जूते बनाते थे तो एक लाइन गाते थे, उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन थी, उसको दोहराते रहते थे। कौन सी पंक्ति थी, कौन सी लाइन थी? रामदास जी गाते थे, हरी में जैसो तैसो तेरो। क्या गाते थे? हरी में जैसो तैसो तेरो। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, गुणवान हैं, जैसे भी हैं पर हैं तो जी आपके, तो यही गाते। और गाते भी ऐसे नहीं, शालिग्राम भगवान पर अपना वो सुई घिसते रहते और रो रो के गाते, हरी में जैसो तैसो तेरो, हरी में जैसो, रोते रहते रोते रहते। नहीं पता उनको शालिग्राम भगवान। एक संत आए, उन्होंने पहचान लिया। संत बोले, राम 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 राम, ये क्या कर रहा है तू? शालिग्राम भगवान को तू चप्पल जूता में रख रखा है, अरे अनर्थ हो गया, तू तो ये कितना बड़ा पाप किया, अल्लाह इधर दे। और संत भगवान और शालिग्राम जी को लेकर के, शालिग्राम भगवान को लेके अपने कुटिया में आए। सबसे पहले उन्होंने उनको दूध से, गंगा जल से अभिषेक कराया, किस मूर्ख ने पता नहीं कहाँ पटक रखा था, एक बढ़िया सिंहासन, उस पर तुलसी विराजमान की। शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्पित करी, तुलसी हर एक भगवान को नहीं अर्पित करी जाती है, तो शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्पित करी, बढ़िया उनका भोग लगाया, आरती करी, सब सब जैसी पूजा सेवा होती है। और शालिग्राम भगवान की पूजा मूर्ति पूजा से भी ज़्यादा ज़्यादा गंभीर होती है। तो पूजा हो गई, रात को संत भगवान सो गए। अब जब सो गए तो रात को ये ठाकुर जी इनके सपने में आए और आकर के डांट लगाने लगे, बोले हमको क्यों लेकर के आया तू? संत भगवान बोले, क्यों लेकर के आए? आप चप्पलों में पड़े थे, जूता में पड़े थे, इसलिए लेके आए। एक तो आपको बढ़िया आसन पे बिठाया और आप हमको डांट लगा रहे हो। भगवान ने कहा, हमने बोला था क्या कि हम दुखी हैं या हम परेशान? हम तो बिल्कुल दुखी नहीं थे। बोले आपको वहां क्या मजा मिल रहा था, क्या सुख मिल रहा था? भगवान बोले, वहां सुख ही सुख था हमको तो। अब जैसे किसी आदमी के कमर में, पीठ पे खुजली मच रही हो और कोई पीछे से आके खुजाते तो कितना मजा आता है। तो शालिग्राम भगवान बोलते हैं, वो रामदास जब अपनी औजार को हमारे ऊपर घिसता था ना, तो हमको वही मजा आता था जो पीठ को खुजवाने में आता है। वो बार बार करता रहता और रोता रहता, हरी में जैसो तैसो, हरी में जैसो तैसो तेरो। तो भगवान फिर अब क्या करें? बोले हमको वापस छोड़ के आओ, वही लेकर के जाओ। संत भगवान ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु, आप जैसा भगवान हमने नहीं देखा कहीं दुनिया में। जो चरणों में, पादुकाओं में पड़े रहकर के भी जो सुख ले रहा हो, मजे ले रहा हो, क्या सुख है? भगवान कहते, एक ही सुख है। जब वो कहता ना, हरी में जैसो तैसो तेरो,
तो इस पंक्ति पे हमारा दिल आ गया, उसकी इस लाइन पे हमारा दिल आ गया कि अब वो भले गलती कर रहा है पर उसने कह दिया कि गलती भी कर रहे हैं तो भी भगवान है तो आपके, इसलिए हम उसकी सब गलतियां माफ करने को तैयार हैं, हमें उसमें ही आनंद है, हमें उसमें ही अच्छा है। अगले दिन संत भगवान शालिग्राम लेके गए, बोले ले भैया तू रख अपने शालिग्राम अपने पास, ये तेरे से ही खुश है, हमारे दूध दही से ये खुश नहीं है। तब उनको पता चला कि ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। गले लगा के पहले खूब रोए और बस वही बात, हरी में जैसो तैसो तेरो। तो एक तो ये भाव बहुत अच्छा है कि जैसे भी हैं हम भगवान के हैं, अच्छे हैं, भरे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं हम भगवान के। और दूसरा जो कहा कि आप भले कहीं भी रहो दुनिया में, चप्पल ही क्यों ना गट रहे हो, पर अगर आपके मन में भाव है तो भगवान उस भाव को स्वीकार कर लेंगे। सदन कसाई मांस बेचता बेचता भगवान को पा गया, बताइए कोई किसी पशु को मारने से बड़ा पाप दुनिया में क्या हो सकता है। पर भागवत भक्तमाल जी में कथा है कि सदन कसाई ने मांस बेचते बेचते भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मतलब ऐसी परिस्थितियों में रह कर के भी ये भगवान के भक्त भजन कर सकते हैं, और हम लोग, हमारी सब परिस्थितियां अच्छी हैं फिर भी हम भजन नहीं कर रहे। लेकिन भजन नहीं करेंगे तो एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जैसे रामदास जी कहते हैं, प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, तुम हमारे, तो वैसे ही हम भी ठाकुर जी से निवेदन करें, हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कमियां तो बहुत होंगी हम में, झूठ बोलते हैं, दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं, छल कपट भरा हुआ। भगवान कह रहे मोही कपट छल छिद्र ना बाबा, पर आज के इंसान को देखो तो ऊपर से नीचे तक छल कपट से ही भरा हुआ, झूठ से ही भरा हुआ। गोसाई जी कहते झूठ ही लेना झूठ ही देना, सारी दुनिया झूठी से चल रही है, झूठी बोलते हैं, झूठी सुनने की आदत है, झूठी बोलने की आदत, चाहे कितनी भी बुराई है पर हे प्रभु फिर भी जैसे हैं आपके हैं, आपसे हमारा रिश्ता है, आपसे हमारा नाता है, आपके अलावा कौन है। भगवान हमारे अपने हैं और सबसे करीबी हैं, सबसे सबके हित के बारे में सोचने वाले हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सबका हित कर रहे हैं। कोई दुनिया में हमारा इतना कोई हितैषी नहीं हो सकता जितने हमारे ठाकुर जी हमारे हितैषी हैं। हमारे खाने का ध्यान, हमारे सोने का ध्यान, सो रहे हैं तो आँख खुलनी ही चाहिए जग करके, इस तक का ध्यान भी भगवान ही रखते हैं। जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। जब दांत नहीं थे तो ध्यान रखा किसने, भगवान ने, माता के स्तन से दूध प्रदान कर दिया। और चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, एक छोटी से छोटी चीटी मात्र क्यों ना हो उसका भी ख्याल इस दुनिया में चाहे कोई रखे ना रखे पर परमात्मा रखता है। पानी में, समुद्र में, विज्ञान कहता है जितने धरती पर जीव नहीं है इससे डबल और ट्रिपल जो जीवात्मा है वो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, उन सबका ध्यान किसने रखा, भगवान ने रखा। तो इसका मतलब है भगवान हमारे सबसे हितैषी हैं, सबसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचने वाले भगवान ही हैं। लोग कृष्ण और राम में ही झगड़ते रहते हैं, कृष्ण जी वाले राम जी वाले, राम जी वाले कृष्ण जी वाले, आपस में इसी में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। पर भागवत जी ने सारा झगड़ा खत्म किया और कहा सत्यम परम धीमहि, जो भगवान सत्य है। अब आप उसका कोई भी नाम ले लो, कोई भी रूप ले लो, कुछ भी हो सकता है उसका नाम। एक पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी महाराज, आप एक कथा सुनाया करते, दृष्टांत देते थे, तो उसमें वो कहते थे कि एक कोई नास्तिक आकर के कथा में बैठा, तो बीच कथा में खड़ा हो गया और बोला महाराज जी ये भगवान भगवान कोई नहीं होता, हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको। महाराज जी बोले दिखाओ भैया। तो उसने कहा जितने भी श्रोता बैठे सब आँख बंद करो। सबने आँख बंद करी,
वो बोला सब जो जो मैं बोलता जाऊं उसके बारे में अपने मन मन में सोचते जाना। बोले ठीक है। उसने कहा सबसे पहले सोचो हाथी। तो सबने आंख बंद करी, सबने सोचा हाथी। वो क्या दिखा तुम सबको? तो बोला चार पैर, लंबी सूंड, दो दांत, बड़ा भारी शरीर। अच्छा ठीक, अच्छा अब सोचो घोड़ा। घोड़ा क्या दिखा? बोले एक पूंछ, लंबे लंबे कान, चार पांव। अब सोचो गाय। तो सबको गाय दिखी, दो सींग वाली, चार पांव वाली। अब सोचो सेब। तो सबको सेब दिखा, गोल गोल, लाल लाल। अब सोचो भगवान। तो सबने सोचा, बोलो क्या दिखा? तो एक बोला हमको त्रिशूल वाला दिखा। जिसको शंकर भगवान में श्रद्धा थी वो सोचेगा। किसी को कृष्ण में श्रद्धा थी वो बोला बंशी वाला दिखा। किसी को राम जी में श्रद्धा थी वो बोला धनुष वाला दिखा। किसी को श्याम बाबा में श्रद्धा तो बोले हमको शीश शीश दिखाई दिया। तो सबने अपने अपने भाव से अलग अलग देखा। तो बोला लो देखो, सेब होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, हाथी होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा। अब भगवान जब होता ही नहीं तो एक जैसा दिखेगा ही नहीं, सबको अलग अलग दिखा। इसका मतलब भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस बनाई गई है, ये काल्पनिक है, ये कल्पना से बनाई गई। होती तो सबको एक दिखती। सब ने कहा वाह जी वाह, ये तो कोई नया ही चमत्कारिक आदमी आया हमारे बीच में, क्या लॉजिक दिया है। सब एकदम सहमत हो गए उससे। महाराज जी बोले बेटा रुक जा, अब हमारी सुन ले। महाराज जी बोले सब आग बंद करो। सब ने बंद करी। बोले क्या हाथी क्या दिखा? बोले वही चार पांव वाला। घोड़ा तो वही दिखा, सेब तो वही दिखा। महाराज जी बोले अब आंख बंद करो और सोचो अपने अपने पिताजी के बारे में। तो सब ने सोचा। तो महाराज महात्मा जी ने पूछा तुमको क्या दिखा? बोला हमको 6 फीट लंबा दिखा। और जिसके पिताजी 6 फुट थे उसको 6 फुट वाला दिखेगा। तुमको क्या दिखा? बोले हमको काले काले से दिखे, जो काले थे उनको काले दिखे। तुमको क्या दिखा? बोले एक आंख वाला दिखा। अब जिसके पिताजी के एक आंख नहीं तो उसको एक आंख वाला दिखा। तुमको क्या दिखा? बोले हमको ऐसा दिखा। महात्मा जी ने कहा कि जब दुनिया के पिता का रूप अलग अलग हो सकता है तो भला इस दुनिया के जगत पिता का रूप अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो अलग अलग रूप धारण कर सकता है। हर एक के पिताजी एक जैसे थोड़ी होते हैं, किसी की नाग लंबी तो किसी की छोटी, सबके पिताजी का रूप अलग अलग है। तो वैसे ही जगत पिता जो हमारा है, जो सबका पिता है, अलग कोई अगर उसको अलग अलग रूप में देखना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? जिसको बंशी वाला पसंद है तो बंशी वाले के गुण गाओ, जिसको धनुष वाला भा गया तो धनुष वाले के गुण गाओ। लेकिन अगर तुम एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करके एक दूसरे को भला बुरा कहते हो, इसका मतलब तुम्हारे हृदय में तुम्हारा आराध्य नहीं है, तुम्हारे मन में तुम्हारा ईश्वर नहीं है। अपने ईश्वर से प्रेम करो, आपके हृदय में जो इष्ट है उनको प्रेम करो, बाकी अपमान किसी का नहीं।